दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ओप्पो के F15 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 16 जनवरी को ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है और प्री बुक आप अभी से उसको कर सकते हैं। आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या इसके प्रोज है, क्या क्या इसके कॉन्स है, और ट्रस्ट में इसमें बहुत बड़ा एक कौन है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फ़ोन ना लें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके पास इस बजट में, अगर आपका इतना बजट है तो यार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मिलेगा। वो आगे डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में आफ्टर दिस इंट्रो। अब दोस्तों, ये ओप्पो ने सबके साथ मजाक किया है एक F15 लॉन्च करके, क्योंकि सारी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, एकदम बढ़िया फ़ोन है अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं तो। यहाँ पे मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, आपको सुन के हैरानी होगी कि यार परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखेंगे, फ़ोन ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस ही देखेंगे ना सबसे पहले। तो यही, उसी के साथ ओप्पो ने मजाक कर दिया है। मतलब आपको जो बजट, जो प्राइस में ये लॉन्च करा है ओप्पो F15, वो है 20,000 रुपये, और 20,000 में आपको क्या मिल रहा है? मीडिया टेक का हीलियो P70 वाला प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन के 665 के बराबर है, और बराबर भी नहीं खेल सकते हैं, उससे कम ही है, क्योंकि इसमें आपको 11 nm का प्रोसेसर मिलता है, उसमें आपको 9 nm का प्रोसेसर मिलता है, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। और जो 665 और 675 भी आपको यहाँ पर जो है 12,000 से 13,000 रुपये में ईजिली मिल जाएंगे, अगर दूसरे फ़ोन हम देखें Xiaomi Realme वाले तो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मजाक किया है मेरे हिसाब से, तो यार ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए उन लोगों को जो परफॉर्मेंस देखते हैं अपने फ़ोन में, जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जो गेम वगैरह प्ले करना चाहते हैं, ये फ़ोन उनके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छे से नहीं दे पाएगा। हालांकि अपने आप में जो P70 प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, बट अगर हम बात करें प्राइस की, इस प्राइस में अगर आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं, वो आगे डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं। कौन सा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इसका प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस बजट में। प्रोसेसर अच्छा है, प्रोसेसर अगर आप ये सेम फ़ोन, ये सेम फीचर के साथ अगर 15,000 में लॉन्च करते तो एकदम वैल्यू फॉर मनी फ़ोन था, कोई सा भी फ़ोन इसके आगे नहीं टिक पाता था अगर ये 15,000 का होता तो। इसके सारे स्पेसिफिकेशन देख लीजिए आप, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, सिर्फ प्रोसेसर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड अपने आप में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज इसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिलती है, साथ में 8 GB की रैम मिलती है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आपको सिर्फ यही वेरियंट मिलता है, मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, 6 GB 64 GB ऐसा कोई वेरियंट नहीं है, 8 GB 128 GB सिर्फ यही मिलेगा 20,000 रुपये में, इसके अलावा ना कोई कुछ ऑप्शन कुछ भी नहीं है, मतलब कलर भी यही है, सिर्फ एक ही है। अब बात करते हैं कैमरे की, जिसमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जो कि है 48+8+2+2। 48 में मेन कैमरा होता है, 8 वाइड एंगल के लिए होता है, और 2 डेप्थ सेंसिंग के लिए, और एक और जो 2 है वो नाइट विजन के लिए होता है। तो कैमरे की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा है, बट इसके साथ साथ प्रोसेसर अच्छा दे देते हैं, तो जो प्रोसेसिंग होती वो काफ़ी अच्छी होती है, और फोटो थोड़ा और निखर के आता है अच्छा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि ठीक ठाक फोटो लेगा, ड्यू ड्रॉप के साथ ये कैमरा आपको देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, वूक फास्ट चार्जिंग का इसमें सपोर्ट मिलता है आपको, जो कि 18W की होती है, आई थिंक 18W का फास्ट चार्जर साथ में इंक्लूड मिलता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसमें कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, फेस अनलॉक बिल्कुल से मिलेगा। और यहाँ पर हम बात करें सिम स्लॉट की, तो ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं, इसमें आपको 2 SIM+ SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो ये एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दे रहे हैं साथ में 128 GB के बाद भी, तो काफ़ी अच्छी बात है। फोन के वेट की बात करें तो 170 या 72 ग्राम का कुछ ये फ़ोन है, 180 भी नहीं, 200 तक भी नहीं गया, मतलब काफ़ी हल्का फ़ोन है, और डिज़ाइन वगैरह भी ठीक ठाक है। बस इसमें कमी है तो सिर्फ एक प्रोसेसर की, एक अच्छे प्रोसेसर की, प्रोसेसर तो है इसमें बट एक अच्छे प्रोसेसर की कमी है, जो कि अगर स्नैपड्रैगन का ही कोई प्रोसेसर होता तो काफ़ी अच्छा फ़ोन होता, साथ में इसकी जो प्राइस होती वो 15 से 16 के बीच में होती, तो एकदम बेस्ट फ़ोन हो सकता था। अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिए, क्लियरली बोल रहा हूँ मत लीजिए, ये फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस प्राइस में। अगर इस प्राइस में अगर आपको ये मिल रहा है, 20,000 में मिल रहा है, तो यार मत लीजिए। 16-17 तक ठीक है ये फ़ोन, अगर 16-17 अगर आप स्पेंड करेंगे इसमें तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं आपको इस रेंज में, 16-17 रेंज में इतने सारे फीचर आपको कोई दूसरा फ़ोन नहीं देगा, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, साथ में टाइप सी का सपोर्ट भी मिलता है, और कैमरे की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, तो कुछ मामले में ये फ़ोन अच्छा है, और जो मेन जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोसेसर का है, परफॉर्मेंस का है, वहाँ पर ये अच्छा फ़ोन नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप बजट बेस्ट बजट फ़ोन देखना चाहते तो यार ये वाला मत लीजिए, क्योंकि ये बजट में नहीं होगा आपके, वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। अगर हम डायरेक्टली बात करें यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी की, तो ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं है।
अगर आप वैल्यू आपका जितना पैसे आप दे रहे हैं उतने फीचर चाहते हैं तो फिर ये मत लीजिए। पोको F1 देख सकते हैं, उसमें स्नैपड्रैगन का 845 मिलता है, और K20 Pro भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मतलब 1-2 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा दे के K20 Pro लीजिए, उसमें 855 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि एकदम लेटेस्ट है। तो यार इतना बकवास प्रोसेसर क्यों लेंगे, अगर 1-2 हज़ार रुपये और स्पेंड करिए और काफ़ी अच्छा फ़ोन K20 Pro लीजिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर मिलता है, सारे जो इसमें फीचर मिलते हैं वो उसमें भी मिलेंगे। तो यार 1-2 हज़ार और स्पेंड करके आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन स्मार्टफोन मिल सकता है, तो ये बकवास से फ़ोन के साथ क्यों जाना चाहेंगे आप। फिर भी अगर आप चाहते हैं लेना तो ले लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो यार डिसलाइक करके जा सकते हैं, अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जाना जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।